जब मैं जब भी ऊपर आऊँ ना तो ये मेरा वेलकम करने आ जाता है। और ये कलियाँ वगैरह भी ठीक है। ब्लैकी बीमार था जिसकी वजह से उसको दवाई पिलाई जा रही है और दूध हाथ से ही जो है ना इसको पिलाया जा रहा है। और ये जनाब बहुत बेहतर हो गए, बहुत खूबसूरत निकला है, बहुत खूबसूरत है। इस टेम्परेचर के अंदर जो है ना परिंदा मुंह नहीं खोलता। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल आप सबके? उम्मीद है सब कह रहे से होंगे। सो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। ब्लैकी ठीक है, तकरीबन हालात काफ़ी बेहतर है इसके। जब मैं जब भी ऊपर आऊँ ना तो ये मेरा वेलकम करने आ जाता है फ़ौरन से। बड़ा अच्छा है बच्चा ये भी। सो ये दोपहर बूटी भी जो है ना काफ़ी मतलब फलने फूलने लग गई है। और ये कलियाँ वगैरह भी ठीक है। कहने का मतलब ये है कि ये जो है ना हरा भरा हो गया दोबारा से, ये सारा ख़राब हो गया था। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दोपहर बूटी थी। हाँ भी शेरू कैसा है? ठीक है। हाँ जी गुलाबो क्या हाल है? गुलाबो की आँख, हाँ आँख तो बच गई है, मतलब स्वेलिंग भी कम हो गई है, कोई पानी नहीं है, कुछ नहीं है। बस वो जो ना उसकी जो आँख ख़राब हो मतलब निकल गई थी ना, बस वही अंदर फंसी हुई है, वो खुद ब खुद निकल जाएगी। मतलब एक्टिव हो गई है, घोंसला भी उसने बना लिया, स्वेलिंग बिल्कुल ख़त्म हो गई। टू मैंने डाल दी है, स्वेलिंग ख़त्म हो गई काफ़ी ज़्यादा। और ये जनाब बहुत बेहतर हो गया। बस ये इसकी आँख जो निकल गई थी उसकी वजह से ये हालात हुए हैं इसके, नहीं तो ये ठीक हो गई है। सो इसका जो ना पैर अब भी उसके साथ हो गया, घोंसला ने बना लिया। बड़े प्यारे कलर निकल आए इसके भी, ये देखो बहुत खूबसूरत निकला है, बहुत खूबसूरत है। और आई थिंक ये फीमेल होगी। और ये जनाब मेल है, ये इसके पास जाओ तो मारते हैं। ब्लैकी बीमार था जिसकी वजह से उसको दवाई पिलाई जा रही है और दूध हाथ से ही जो है ना इसको पिलाया जा रहा है। इस टेम्परेचर के अंदर जो है ना परिंदा मुंह नहीं खोलता। हाँ अगर 37 to 40 हो जाए तो परिंदा मुंह खोलने लग जाता है। तो उस दौरान जो है ना आपने सिर्फ और सिर्फ नींबू पानी देना है इनको। टेम्परेचर तकरीबन 30 हो या 32 हो और हद जो है ना एक्चुअली में 37 जो है ना बहुत ज़्यादा हो जाता है। सो 30 to 32, 35 भी जो है ना समझ आती है। इसके अंदर परिंदा जो है ना अपना मुंह नहीं खोलता। अगर परिंदा मुंह खोल के ज़्यादा हाँफने लग जाए तो उसको जो है ना सबसे ज़्यादा बेहतर ये है कि कोई ना कोई इलेक्ट्रोलाइट्स दें, नहीं तो बेटर ये है कि आप नेचर कनेक्टेड रहें। उसकी तदाबीर ये है कि आप जो है ना लेमन पानी, ये सबसे ज़्यादा बेस्ट है। इसमें जो है नमकियात वगैरह इनकी पूरी रहती हैं, हार्ट अटैक होने का या ऐसे कोई मामला होने के चांसेस नहीं रहते। ठीक है। तो अभी आप लोग देख सकते हो कि मेरे परिंदों में से कोई भी परिंदा जो है ना मुंह खोल के नहीं बैठा हुआ। हालांकि यहाँ पे बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा पसीना आया हुआ है, लेकिन यह है कि टेम्परेचर यहाँ पे कंट्रोल है इनके मुताबिक। ठीक है, तो मैं इनको जो है ना साथ साथ लेमन पानी दे रहा हूँ और ये जनाब बिल्कुल ओके हैं। सो एक बैड न्यूज़ और है। तो जनाब बैड न्यूज़ ये है कि एक पिजन जो था ना हमारा, वो लखा पिजन, वो मर गया। उसकी फीमेल ने दिया हुआ था एग, तो एग जो है ना मैं ले आया हूँ। ये देखो ये एग जो है ना उसका है, तो इसको जो है मैं ट्रांसफ़र कर दूंगा डब के नीचे। सो होपफुली वो 2 से 3 बैठते हैं तो ये जो ना इंक्यूब्यूट हो जाता है। लास्ट में मैंने एक एग इंक्यूब्यूट करवाया था लेकिन वो समझ लो कि टूट गया था, जिसकी वजह से वो ख़राब हो गया। अब इसको जो है ना दोबारा मैं डब के नीचे रखूँगा और देखते हैं कि इंक्यूब्यूट होता है कि नहीं। डब ने काफ़ी ज़्यादा एग्स दिए हुए थे। बैड न्यूज़ इधर से भी एक और है, जो ना इतनी गर्मी के अंदर ब्रीड नहीं लेनी चाहिए लेकिन डब जो है ना नहीं रुकती है। अगर इसको मतलब छन्नी नहीं दो तो ये नीचे अंडे देना शुरू कर देते, नहीं तो जहाँ पे इसका दाना होता है वहाँ पे अंडे देना शुरू कर देती है। सो इसी वजह से जो ना फिर मैंने इनकी छन्नियाँ लगाई हुई थी। मैं कहा चलो जो आएगी ब्रीड आ जाए, बाकी कोई इशू नहीं। तो ये अंडे जो ना इनके 4000 अंडे थे वो सारे ख़राब हो गए हैं। ठीक है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले चेक किए थे। तो ये एग जो है ना मैं ये डायमंड डब के नीचे रख देता हूँ, इनके अंडे उठा दूँगा, ये दोबारा अंडों पे आ जाएंगी। सो अंडा जो है ना मैं इनके नीचे रख के इनके तकरीबन 2 से 3 अंडे जो है ना मैं यहाँ से उठा लूँगा, क्योंकि अंडे ख़राब हो चुके हैं। और
इनको रखने का फ़ायदा नहीं है, ये अंडे ख़राब हैं, तो इनको ट्रांसफ़र कर देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे मैंने और भी रखे हुए हैं, दो बेबी बड़ी मुश्किल से हैं यार, एक ये सामने बैठा हुआ है और एक वो नीचे है, ये बड़ी मुश्किल से दो बेबी हैं। और यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना मौत हो रही हैं, सिर्फ गर्मी की वजह से, और समझ लगे टाइम नहीं दिया जाता, तो इनकी जो है ना जगह भी चेंज करनी है, इनकी लोकेशन भी चेंज करनी है। हाँ जी, ये ऊपर से आगे नीचे, इनको जो ना नींबू पानी वगैरह तो मैं देता हूँ, पहले से काफ़ी बेहतर है, लेकिन देख लो कि इतनी धूप में भी इनके जो है ना वो मतलब इन्होंने मुंह नहीं खोला होगा किसी ने भी। आइस का इन्फेक्शन बहुत आया हुआ है, टुकड़ा हो रहा है और परिंदा हाफ हाफ के जो है ना वो मर जाता है, तो काइंडली इनको जो है ना इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह लाजमी दें, वाइटामिन दें, इनको कैल्शियम पूरा रखें, और गर्म चीज़ कोई भी ना दें, सॉफ्ट फूड का इस्तेमाल करें, सॉफ्ट फूड में सब्ज़ियाँ वगैरह जो ठंडी सब्ज़ियाँ, और लेमन का पानी जो है ना वो लाजमी दें, लेमन का पानी बहुत ज़्यादा मुफीद है, ठीक है जनाब। तो काइंडली यार 1000 सब्सक्राइबर करवा दो, इसको मोनेटाइज करते हैं, और जनाब मेरी हौसला अफजाई भी होगी, आप लोग काइंडली सपोर्ट नहीं करते हो, सिर्फ देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो मैं समझ लो किसी वजह से फिर मैं डिसहार्ट हो जाता हूँ कि यार देखते हैं लेकिन उसको सब्सक्राइब नहीं करते। जनाब ये आपका अपना चैनल है, मैं इतनी गर्मी के अंदर आप ही के लिए खड़ा हूँ, तो इस चैनल को शेयर भी किया करें, सब्सक्राइब भी किया करें, और कमेंट करके अपनी राय का भी इजहार किया करें, ठीक है। इससे फिर मुझे ये होगा कि हाँ यार आप लोग देखते हो, हम लोग को किसी चीज़ समझ आती है, कोई पसंद आता है नहीं आता, किस तरह की वीडियो आपको पसंद आती है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।